स्पेशल स्क्रीनिंग आज लोक भवन में हुई है। मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और कई मंत्रियों ने इस मूवी को देखा है। क्या कुछ उसके बाद कहा है सुनाते हैं। और उस कमा को इस सम्राट पृथ्वीराज के रूप में इस फिल्म के माध्यम से इस देश के प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार जी की इस अभिनव के माध्यम से हम सब ने इस फिल्म के माध्यम से देखा है। मैं यहां पर अक्षय कुमार जी का, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, आपने उनके कार्य को इससे पहले चाणक्य जैसे सीरियल के माध्यम से भी देखा है और ये हमने तमाम ऐसे कार्यक्रम जो हमें राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है उस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार इसका अनुभव करते रहे हैं। आज वे स्वयं भी यहां पर उपस्थित रहे हैं और सुशील मानसी जी, इससे पहले भी भारत माता के इन कलाकारों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक आम जनमानस से जुड़ी हुई तमाम विषयों को लेकर के फिल्मों का निर्माण किया। ये फिल्में वास्तव में केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं है, लोक जागरूकता के भी, राष्ट्रीय प्रेरणा के भी और समाज को एक नई दिशा देने के भी माध्यम बन सकते हैं। यह अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं बहुत शीघ्र यहां पर हमारे बीच में आएगी। उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री करने की घोषणा कर सकते हैं। एक कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी तो स्वाभाविक रूप से आज हमारा कन्नौज इत्र के साथ साथ गोबर के साथ भी जुड़ रहा है और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी तो स्वाभाविक रूप से आज हमारा कन्नौज इत्र के साथ साथ गोबर के साथ भी जुड़ रहा है और स्वाभाविक रूप से कन्नौज को जानने और अन्य उत्तर प्रदेश की उन सभी स्थलों के बारे में जानने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े हुए अक्षय कुमार जी, मानसी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की रचनात्मक फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने, समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का वह निरंतर प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन उनके इस पूरे कार्यक्रम के साथ सदैव सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होगी। मैं एक बार फिर से, आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ इस फिल्म को देखा है, मैं आपका भी हृदय से स्वागत भी करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कन्नौज का जिक्र किया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी संयोगिता वो कन्नौज की थी, राजा जयचंद्र की वो पुत्री थी और इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। इस फिल्म में कन्नौज का भी एक सीन दिखाया गया है। आपको बताने परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। अक्षय कुमार फिल्म के डायरेक्टर को उन्होंने बधाई दी है और बहुत अच्छी फिल्म है ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो लोक भवन में जो कि मुख्यमंत्री का दफ्तर है वहां पर फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। इस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं, नवनीत सहगल
मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव को आप देख रहे हैं, और मानसी छिल्लर जो कि इस फिल्म की अभिनेत्री हैं, अक्षय कुमार जो कि इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में नजर आए हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और फिल्म के डायरेक्टर को भी यहां पर सम्मानित करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता गण मौजूद रहे हैं, और सीएम योगी ने टैक्स फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अब ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान अब टैक्स फ्री हो गई। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश आपके पास आएंगे, टैक्स फ्री कर दी गई फिल्म, जैसा कि आपने जिक्र किया था जब इस स्क्रीनिंग से पहले मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले, और उस पर पुष्टि भी हो गई अब। बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरी संभावना थी कि फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया जा सकता है, और थोड़ी देर पहले जिसकी फिल्म की स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है और खुद मंच से मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया कि पृथ्वीराज को यूपी में टैक्स फ्री किया जाता है। देखा जाए तो क्योंकि हालांकि स्क्रीनिंग के बाद अभी मंच पर सीएम का उद्बोधन भी हुआ, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों को लेकर समाज में जागरूकता आती है जो हमें इतिहास से रूबरू कराती है। आज अभी मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं, कैबिनेट के कई मंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और फिल्म की जो पूरी तादाद है वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। और इसकी खास बात यह है कि अभी स्क्रीनिंग के बाद मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के कुछ प्रोडक्ट भी मानुषी सुंदर और अक्षय कुमार को गिफ्ट किए, साथ में चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको दिया गया। तो अब से थोड़ी देर बाद पहले ही स्क्रीनिंग खत्म हुई है, और स्क्रीनिंग के बाद जो तमाम लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंच पर एक दूसरे के साथ की घोषणा चल रहा है और एक दूसरे से बातचीत भी चल रही है। हालांकि एक बड़ी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि पृथ्वीराज को यूपी में टैक्स किया गया। हाँ बिल्कुल, टैक्स फ्री कर दिया गया इस फिल्म को अविनाश, और इस दौरान जब उद्बोधन चल रहा था मुख्यमंत्री का तो उन्होंने कन्नौज का भी जिक्र किया, क्योंकि कन्नौज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी व्यंग के तौर पर टिप्पणी कर चुके थे मुख्यमंत्री पर सदन में, और इस फिल्म में भी कन्नौज का जो दृश्य है वो दिखाया गया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी संयोगिता वो कन्नौज की राजा जयचंद की पुत्री थी। बिल्कुल, देखिए इस फिल्म में कन्नौज अध्यक्ष है, और कन्नौज की बात करें तो हाल में जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ उसमें कन्नौज को लेकर काफी सलखियां देखी गई थी अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री के बीच में। हालांकि तब भी कटाक्ष किए गए थे दोनों तरफ से, और एक बार फिर से आज कन्नौज का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्नौज की चित्र के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब कन्नौज जो है वो गोबर से भी जुड़ चुका है। इस पर तमाम लोगों को रिएक्शन दिया है, लोगों ने इस पर तालियां भी यहाँ पर बजाई, लेकिन अब कुछ किसी कार्यक्रम का संपन्न हो चुका है, सीएम यहाँ पे जा रहे हैं, साथ में जो दूसरे लोग हैं वो जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश। तो रुकते हैं कुछ पलों के लिए।